हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BS6 बुलेट्स के ECU के बारे में। आज हम देखेंगे कि ये ECU क्या होता है और इसका क्या काम है आपके बाइक में। तो गाइस, आपने EFI के बारे में तो जरूर सुना होगा। EFI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। आजकल के जो BS6 जो बुलेट्स आ रही है उनमें EFI लगा होता है जो कि ECU कंट्रोल करता है। गाइस, ECU का मतलब होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, जो कि बुलेट का एक तरीके से माइंड होता है जो कंट्रोल करता है आपके ओवरऑल बाइक को। गाइज, अगर मैं BS6 इंजन के ECU के बारे में बात करूँ तो वो थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू BS3 और BS4 इंजिन। तो गाइज, ये जो BS6 इंजन का जो ECU होता है ये आता है 48 पिन का, जबकि अगर आप BS3 की बुलेट्स देखेंगे तो उनका ECU आता था 36 पिन का, और अगर मैं BS4 की बात करूँ तो उनका जो ECU आता था वो आता था 40-42 पिन का। तो गाइज, इसी पे से आपको पता चलेगा कि ये जो BS6 की जो बुलेट्स है इनका जो ECU है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है अगर हम कंपेयर करेंगे उसको ओल्ड मॉडल्स से। तो गाइज, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ECU है ये कंट्रोल करता है आपके ओवरऑल बाइक को, ये कंट्रोल करता है आपके बाइक के स्टार्टिंग मैकेनिज्म को, ये कंट्रोल करता है आपके बाइक के ABS को, EFI सिस्टम को, और बाकी जो भी सेंसर्स लगे होते हैं आपके बाइक में वो कंट्रोल करता है ECU। गाइज, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ये जो BS6 की जो बुलेट्स आती है उनमें टोटल 7 सेंसर्स आते हैं। गाइज, ये जो 7 सेंसर्स है उन पर मैं डेडिकेटेडली एक एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके बुलेट में कौन कौन से सेंसर्स है और उनका क्या काम है। गाइज, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये जो BS6 बुलेट का जो ECU आता है ये बहुत महंगा आता है। इसकी प्राइस होती है लगभग 12,000 से 14,000 तक। अगर मैं कंपेयर करूँ BS3 का ECU तो वो आता है 8,000 का। और आपको एक बात सुनकर हैरानी होगी कि ये जो BS4 का जो ECU आता था वो आता है 6,500 का। तो आप देखोगे कि BS4 का जो ECU है वो सस्ता है BS3 और BS6 के ECU से। तो गाइज, अगर मैं दूसरे शब्दों में बताऊँ तो आपकी जो BS6 बाइक है वो ECU ही चलाता है। ECU कंट्रोल करता है आपके बाइक में कौन से समय पर कितना फ्यूल इंजेक्ट होना चाहिए, ECU कंट्रोल करता है कौन सा सेंसर कौन से टाइम पर चलना चाहिए, आपका जो ECU है वो कंट्रोल करता है आपके बाइक का पोल्यूशन, आपके बाइक का परफॉर्मेंस, आपके बाइक का ओवरऑल जो माइलेज होता है वो, ये सभी कंट्रोल होता है आपके ECU से। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।